वेलकम बैक एवरी वन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं F11 की। आप कहेंगे यार अगेन F11 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हो, तो यस वी आर गोइंग टू अगेन अनबॉक्स F11, लेकिन इस दफा हम इसका नया कलर ज्वेलरी व्हाइट अनबॉक्स करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको फ्लोराइड पर्पल कलर का अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूँ, और उसमें मैं एक बात करना भूल गया था, और वो बात ये थी कि इसके अंदर जो सिम ट्रे है ना यार, वो यूज़ की गई है हाइब्रिड। अब अगर इसके अंदर सिम ट्रे स्लॉट अगर ट्रिपल यूज़ की जाती तो बहुत ही यार अच्छा होता। मुझे नहीं पता यार क्यों इन्होंने इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट यूज़ कर दी है एट अ टाइम। या तो आप दो सिम यूज़ कर लो या एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर लो, ये होती है हाइब्रिड स्लॉट। जिसे नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया। तो इससे पहले मुझे इसका मार्बल ग्रीन कलर का अच्छा लगता था, और अब मुझे जब से ज्वेलरी व्हाइट कलर आया ये ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया है। और अनबॉक्सिंग हम करेंगे ज्वेलरी व्हाइट कलर की डिटेल से, और वीडियो के एंड पे जो है ना आपको मार्बल ग्रीन कलर की भी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग जो है वो करके मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर मुझे दो और चीज़ें नहीं पसंद आई, वो क्या थी उसके लिए आपको इसकी जो पर्पल कलर वाली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। तो मजीद टाइम वेस्ट किया, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आ जाइए यार मिलके करते हैं F11 ज्वेलरी व्हाइट कलर की अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, और हाँ एंड पे मार्बल ग्रीन कलर भी जरूर देखिएगा। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ओप्पो F11 के न्यू कलर ज्वेलरी व्हाइट की। इससे पहले मैं आपको पर्पल कलर की अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूं, और वीडियो के एंड पे हम जो है आप मार्बल ग्रीन कलर को भी देखेंगे वो कैसा देखने को मिलता है। F11 के अंदर यार जो सिम की हाइब्रिड ट्रे स्लॉट है ना यार, मुझे इसको बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर ये ट्रिपल स्लॉट ही होती तो बहुत मजा आता यार। अब क्या करें यार, एक सिम चलाएं एक मेमोरी कार्ड चलाएं। आपको पता है कि दो सिम का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, डुअल सिम इज कंपलसरी। तो जैसे ही आप फोन ओपन करते हैं ना, आपको एक जबरदस्त किस्म का वोक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फोन जो है बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग में चार्ज करता है। ऑलमोस्ट आपका 40-45 मिनट्स में चार्ज कर देता है। इसकी वोक केबल भी अलग से यूज की गई है। इसके लिए आपको ये यूज करना मस्ट है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम दूसरा चार्जर लगा लें तो क्या ये चार्जिंग हो जाएगी, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको वोक चार्जिंग के लिए वोक का जो स्पेशल उसका चार्जर है वो यूज़ करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड और ब्लैक कलर का TPU देखने को मिलेगा इसके ऊपर वाले बॉक्स के अंदर। साथ ही सिम इंजेक्टर टूल भी है, और इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँगा, इसकी जो वारंटी होती है ओप्पो की वो ऑनलाइन आपको एक्टिवेशन करनी पड़ती है। उसके लिए आप सिम डालेंगे और वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, फिर उसकी वारंटी की एक्टिवेशन होगी, और उसके बाद आपको मैं ये वारंटी कार्ड दिखा रहा हूँ ये फिल किया जाएगा। जब भी आपने फ़ोन लेना है तो आपने शॉपकीपर से या जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसको आपने कहना है यार जो वारंटी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मेरे सामने करे, और ये कार्ड जो है फिल आउट करे एज पर डेट, ताकि कल को आपको कोई क्लेम करना पड़ जाए वारंटी का तो आप इस लिहाज से कर सकें। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर इसका मैं रैप रिमूव कर रहा हूँ। तो यार ऑसम कलर है ज्वेलरी व्हाइट कलर। इससे पहले मुझे मार्बल ग्रीन कलर पसंद था, लेकिन मैंने जब से ये लुक देखी है ना तो मुझे मज़ा आ गया। मैं फ़ोन ऑन कर रहा हूँ ताकि उस दौरान हमारा फ़ोन भी ऑन होता रहे, उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं कलर को। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से ये थोड़ा सा आप कह लें कि लाइलैक पर्पल कलर का शेड दे रहा है, और ऊपर से ये वाइट कलर का है। इसके जो लाइनिंग है ना कैमराज की और साइड वाली, वो सिल्वर कलर की है, और इससे जो इसकी लुक के और जो फील है काफ़ी प्रीमियम आती है। बैक पे आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, नीचे LED फ्लैश लाइट है, उसके साथ ही फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है, और इसका फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी फास्ट है। मैं आगे चल के आपको एक्सप्लोर जरूर करवाऊंगा। इसके साथ साथ इसके नीचे आपको इसका ट्रेडमार्क लोगो देखने को मिल जाता है ओप्पो का, और आई थिंक ये कलर बहुत अच्छा है। आपके ख्याल से ये कलर ज़्यादा अच्छा है या ग्रीन ज़्यादा अच्छा है या पर्पल अच्छा है, ज़रूर बताइएगा। 4GB रैम, 64GB मेमोरी दूसरा वेरिएंट, 6GB रैम, 128GB मेमोरी के साथ है। और इसके साथ साथ आपको इसके बैक पे 48MP का बैक कैमरा प्लस 5MP का डेप्थ सेंसर, फ्रंट कैमरा है 16MP, 4000mAh की बैटरी यूज़ की गई है, P70 MediaTek प्रोसेसर है, IPS डिस्प्ले। यार इसके अंदर अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया होता ना तो मैं कहता हूँ फुल इन्जॉय हो जाते। और इसके साथ साथ आपको इसका जो कलर ओएस का वर्जन है वो 6 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फाइनली। और जो इसकी एंड्रॉयड की वर्जन है वो आपको 9 देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर जो स्लॉट है वो हाइब्रिड है। वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि इसके जो स्लॉट है आपको हाइब्रिड देखने को मिलती है, दो सिम या एक सिम एक मेमोरी कार्ड। इसके बाद हम अगर इसका कैमरा एक्सप्लोर कर लें, बैक कैमरे की आपको मैं सेटिंग्स चेक करवा रहा हूँ, मैं इसके रेशियो फुल कर देता हूँ ताकि हम इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें। इसके साथ साथ इसके जो कैमरा की बैक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, स्लो मोड देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड है। मैं आपको पिक्चर भी क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि इसकी पिक्चर कैसी परफॉर्म करती है। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। इस क्लिक पे ये अच्छा नहीं आया, मैं थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करके दोबारा क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कैमरा जब भी यूज़ करना है ना तो उसका यूज़ पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पिक्चर का रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है इसके बाद, क्योंकि इसका जो बैक है कैमरा उसका अपर्चर 1.8 यूज़ किया गया है, लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। पोर्ट्रेट मोड भी है इसके अंदर, और बाकी जो मोड्स हैं ये भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हम इसका बाकी सेटिंग्स के बाद हम इसका फ्रंट कैमरा एक्सप्लोर करें तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है 16MP के साथ। तो बैक कैमरा में आपको फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, 1080x720 की जो है रेजोल्यूशन के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा है 16MP और ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करता है। इसके अंदर भी आपको ब्यूटी गिवन है और जो बाकी मोड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैमरा अगर आप चेक करें तो आपको मैं रिजल्ट चेक करवा रहा हूँ, जो कि काफ़ी डिटेल्ड शॉट लेता है।
अब ये जो फ़ोन मैंने क्लिक किया है, यानी कि पिक्चर मैंने क्लिक की है, ये हाई लाइट के अंदर है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल इन्वायरमेंट में करेंगे तो ये रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसका अगर हम पोर्ट्रेट मोड चेक करें फ्रंट कैमरे का, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आप कह लें कि यार ओप्पो वैसे भी कैमरा फ़ोन है, लेकिन इसमें यह है कि F9 के नस्बत जो इसका रिज़ल्ट है वो कम कर दिया गया है। अगर ये भी कैमरा 25 मेगापिक्सल का होता तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं था। इसके साथ साथ अगर हम इसका फिंगरप्रिंट लॉक भी चेक करते हैं चल के, और फेस लॉक भी चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसा मैं बता रहा था, इसकी जो वारंटी होती है वो ऑनलाइन एक्टिवेशन करनी पड़ती है ई वारंटी कार्ड के अंदर जाके। तो मैं आपको ई वारंटी कार्ड ये देखें चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप सिम डालेंगे फ़ोन के अंदर, उसके बाद वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन होगी इसका सक्सेस का मैसेज जो है आपको आ जाएगा इसके अंदर भी, और बैक साइड के ऊपर ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर भी। जैसे कि आप मेरे ऊपर देख सकते हैं वो ऑरेंज कलर का आइकन बना हुआ है, वो इसी का है कि आपकी एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गई है। फिंगरप्रिंट मैं इनरोल कर रहा हूँ, इसका काफ़ी फास्ट इनरोल कर रहा है, तो आई होप इसकी जो अनलॉकिंग होगी फिंगरप्रिंट की वो भी काफ़ी बेहतर होगी, और इसकी जो जनरेशन है फिंगरप्रिंट लॉक की वो भी काफ़ी बेहतर यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं इसका जो डिले है फिंगरप्रिंट लॉक का बहुत ही माइनर है, और ये जो लो मिड रेंजर फ़ोन होते हैं उनके नस्बत काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी अगर इसके अंदर दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी बेहतर होता। और इसके साथ साथ अगर हम इसका फेस लॉक भी चेक कर लें तो वो भी काफ़ी फास्ट इनरोल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका फेस अनलॉक जो है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसको हम डायरेक्टली विद योर फेस अनलॉक करेंगे क्योंकि हमें स्लाइड और स्वाइप नहीं करना। अब देख सकते हैं कि यार ये विद इन मिली सेकेंड इसका अनबॉक्स कर देता है, बल्कि अनलॉक कर देता है। तो कैसा लगा आपका F11 ज्वेलरी वाइट कलर, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगा या बाकी कलर्स में से कोई ज़्यादा अच्छा लगा है जी। तो कैसा लगा आपको F11 ज्वेलरी वाइट कलर? मेरे ख्याल से ये मार्बल ग्रीन को क्रॉस कर नहीं गया, या आप कहते हैं दोनों इक्वल हैं, ये जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके ख्याल से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है, मार्बल ग्रीन, फ्लोरेट पर्पल या ज्वेलरी वाइट, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सलाम है।